11 साल का प्यार होने वाला है साकार। आदित्य नारायण बंध जाएंगे शादी के बंधन में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ। नमस्कार, मैं हूँ लीसा गंगवानी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये एक और शादी का बंधन दिखने वाला है बॉलीवुड में। एक और बारात निकलने वाली है बॉलीवुड में, और एक बार फिर बजेंगे बैंड बाजा बारात बॉलीवुड में। तो मैं आपको बता दें कि इस बार किसका बैंड बजने वाला है, वैसा वाला बैंड नहीं भाई, शादी का बैंड बाजा। तो और कोई नहीं, आदित्य नारायण है। जी हाँ, उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण, जो कि अभी सुर्खियों में बने हुए थे क्योंकि उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लॉकडाउन में हो गई थी उनकी खस्ता हालत, वो फिर से एक बार आ गए हैं खबरों में क्योंकि होने वाली है उनकी शादी। जी हाँ, लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ बंधने जा रहे हैं वो शादी के बंधन में। फाइनली यानी कि 11 साल पुराना रिश्ता पहुंच जाएगा उसके मुकाम तक। हम आपको बता दें कि शापित मूवी 2010 में रिलीज हुई शापित मूवी में एक साथ नजर आए थे आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल, वहीं पर उनके प्यार की दास्तां शुरू हुई थी और आज तक उनके प्यार की दास्तां सफलता से चलती आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन किया है इन दोनों ने और अब फाइनली अपने प्यार को देने वाले हैं शादी का मुकाम ये दोनों ही एक्टर्स। हम आपको ये भी बता दें कि आदित्य नारायण की शादी की खबरें एक बार आ चुकी हैं नेहा कक्कड़ के साथ, जब वो शो होस्ट कर रहे थे इंडियन आइडल। जी हाँ, जब वो शो होस्ट कर रहे थे तो नेहा थी वहां पर जज, और आदित्य और नेहा का ये जो मैरिज का एंगल डाला गया था वो सिर्फ टीआरपी को लाने का एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लान था। लेकिन ये दोनों कभी भी शादी के बंधन में नहीं बनने वाले थे, लेकिन टीआरपी को तो भाई गेन करना ही होता है। इसी वजह से आदित्य और नेहा कक्कड़ के शादी का एंगल डाला गया था। लेकिन अब आप जानते ही हैं कि किस तरीके से नेहा कक्कड़ हैप्पीली मैरिड है विद रोहनप्रीत सिंह। तो ऐसे में आदित्य नारायण भी जल्द ही बंध जाएंगे श्वेता अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में। आदित्य नारायण ने ये रिवील कर दिया है कि अब वो करने जा रहे हैं शादी की तैयारियां, क्योंकि दिसंबर में होने वाला है ये सेरेमनी और उसके लिए वो शादी की तैयारियां करने वाले हैं। इस वजह से नहीं दिखेंगे अब सोशल मीडिया साइट्स पर। तो भाई शादी का बिगुल बजने वाला है, इसलिए वो अब नहीं रहेंगे सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव और रहेंगे अपनी शादी की तैयारियों में सुपर एक्टिव। कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट, कैसी लगी आपको आदित्य और श्वेता की जोड़ी, लिखकर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमारे चैनल देखते रहिए क्योंकि ऐसी सारी रिपोर्ट्स, ऐसी सारी लेटेस्ट खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।